यूपी में कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। बढ़ सकता है पेट्रोल डीजल पर वैट। टैक्स बढ़ने से सरकार को करीब 1560 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यूपी में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 500 के पार हो गया। इसमें कई लोग तबलीगी जमात से जुड़े भी शामिल हैं। 46 मरीज अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य में सबसे ज्यादा मामले आगरा से सामने आए हैं। यूपी के राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस के 4 नए केस मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। आगरा में कोरोना के 30 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में 134 हुई कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि नए केस में 14 फतेहपुर सीकरी के गाइड के परिवार के हैं। अन्य पारस हॉस्पिटल और घटिया आजम खां स्थित डॉक्टर प्रमोद मित्तल के नर्सिंग होम से संक्रमित हुए हैं। मेरठ में 50 सैंपल की रिपोर्ट आई जिसमें 5 पॉजिटिव पाए गए। जिन मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उनमें से 3 शास्त्री नगर सेक्टर 13 के हैं, 1 खरखौदा का तो 1 रोहटा का मरीज शामिल है। इन मरीजों में 2 मरीज जमाती हैं, 3 वो मरीज हैं जो पुराने मरीजों के संपर्क में आए थे। मुजफ्फरनगर में एक और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिल गया। ये मरीज भी तबलीगी जमात से जुड़ा है जो कि किदवई नगर की मस्जिद में रह रहा था। जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले इस मरीज को क्वारंटाइन करते हुए इसका सैंपल जांच के लिए लैब भेजा था। एहतियात के तौर पर इलाके को सील कर दिया गया। मुरादाबाद पुलिस और प्रशासन ने 4 थाना इलाकों में पूरी तरह से सड़कों और गलियों को बंद कर दिया। मीडिया कर्मियों को भी आने जाने से रोका जा रहा है। प्रशासन ने लॉकडाउन के चलते ये फैसला लिया। मुरादाबाद में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस सामने आए थे जिनमें से 1 छात्रा ठीक होकर अपने घर लौट चुकी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से आए पैसे निकालने के लिए मेरठ के आबुलैंड बैंक शाखा में सुबह 6 बजे से लोग लाइन में लगकर बैठे रहे। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन की अपील का असर देखने को मिला। लोग सोशल डिस्टेंस के मुताबिक ही लाइन में बैठे दिखे। ग्रेटर नोएडा के दादरी में लॉकडाउन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार अपील के बाद भी सब्जी मंडी और बाजारों में लोगों की जबरदस्त भीड़ दिख रही है। सोशल डिस्टेंस को लोग भूलकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही कस्बे में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस की लापरवाही सामने आई। प्रमुख चौराहे भगवान टॉकीज पर फोर सुबह 9 बजे भी नदारद दिखी। पुलिसकर्मी तो क्या, होमगार्ड भी नहीं पहुंचे ड्यूटी पर। पुलिस की ढिलाई का लोग फायदा ले रहे हैं। सड़कों पर जमकर आवाजाही हो रही है। आगरा के पारस अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही से 20 लोगों को कोरोना फैला है जिसमें से 16 लोग का इलाज आगरा में ही चल रहा है। इतना होने के बावजूद भी पारस हॉस्पिटल के मालिक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज युवक को एम्बुलेंस कर्मचारी रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। युवक के इधर उधर भटकने पर स्थानीय लोग उसको संदिग्ध समझकर घबरा गए। बाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार से संपर्क कर युवक को उसके घर छुड़वाया। ग्रेटर नोएडा के गलगेटिया कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर की 7वीं मंजिल से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। ये घटना रात करीब 8 बजे की है। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर नॉलेज पार्क पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में कम्युनिटी किचन को लेकर नगर पालिका जंग का अखाड़ा बन गई। सरकार से जारी पैसे का जिम्मेदार अधिकारी बंदरबांट कर रहे हैं। टाटा नगर पालिका के सभासदों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन भूखों को आधा पेट खाना खिलाकर उनको डांट डपट कर भगा रहा है जिसको लेकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। हालात ऐसे हुए कि नगर पालिका प्रशासन को पुलिस तक बुलानी पड़ी। कोविड 19 को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में पुलिस विभाग दमकल कर्मियों के साथ मिलकर पूरे शहर को सैनिटाइज करने में लगा है। जौनपुर में एसपी के नेतृत्व में फायर सर्विस के कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और उन स्थानों पर सैनिटाइज का छिड़काव किया जहां पर पब्लिक का मूवमेंट ज्यादा रहता है। कोरोना वायरस से कैदियों के बचाव के लिए एटा जेल प्रशासन की अच्छी पहल। जिला कारागार में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। आइसोलेशन वार्ड में नए कैदियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। अमरोहा में कोरोना पॉजिटिव के 7 मरीज मिलने से पुलिस सतर्क है। पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। कुछ ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब पुलिस के साथ यमराज भी सड़क पर उतर गए और माइक लेकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करने लगे। जालौन पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन न करने के लिए लोगों से अपील कर रही है। जिले के उरई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस हाथ जोड़कर लोगों से लॉकडाउन का उल्लंघन न करने की बात कह रही है।
साथ ही उन्हें माला भी पहना रही है। उत्तराखंड में पिछले 5 दिनों से कोरोना वायरस के एक भी मामले सामने नहीं आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 35 ही है, जिसमें से 5 मरीज पहले भी ठीक हो चुके हैं। मसूरी में एक युवक के गाजियाबाद से वापस आने पर हड़कंप मच गया। गाजियाबाद काम करने गया 25 साल का युवक वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोग डर गए और हड़कंप मच गया। ग्राम प्रधान ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को युवक की सूचना दी। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और युवक का स्वास्थ्य जांच कर उसको क्वारंटीन होम में शिफ्ट कर दिया। हल्द्वानी के भनपुलपुरा क्षेत्र को प्रशासन की ओर से पूरी तरह सील कर दिया गया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीम लाइन नंबर 8 पर रह रहे लोगों को क्वारंटाइन करने गई थी, लेकिन इसका विरोध करने लगे। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन का भी उल्लंघन किया। फिलहाल हालात सामान्य है। हरिद्वार स्थित ज्वालापुर कृषि उत्पादन मंडी समिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तराखंड में पहला सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया गया, ताकि मंडी समिति में आने वाले लोगों को सैनिटाइज किया जा सके और कोई भी शख्स बिना सैनिटाइज हुए मंडी परिसर में दाखिल न हो सके। एक बार फिर तबलीगी जमातियों की हरकतें सामने आई हैं। इस बार हल्द्वानी में इमाम को क्वारंटाइन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरकर घंटों हंगामा कर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। हल्द्वानी शहर में जहां प्रशासन लोगों को राशन सहित जरूरत का सामान मुहैया करा रहा है, वहीं शहर से महज 10 किलोमीटर दूर लामाचौड़ क्षेत्र में व्यवस्थाओं की कमी के चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। रामनगर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। अब पुलिस बिना मास्क के घरों के बाहर निकलने वाले लोगों को समझाने के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर भी दे रही है, साथ ही उनसे बिना काम के घर से बाहर न निकलने की भी हिदायत दे रही है। देहरादून नगर निगम साफ सफाई को ध्यान रखते हुए फॉगिंग करा रहा है। इसके लिए जिले की हर गली मोहल्ले में कीटाणु नाशक स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है, जिसके लिए निगम ने 40 गाड़ियां इस काम में लगाई हैं। देहरादून जिला प्रशासन अब कोरोना मरीजों को लेकर और सख्ती से निपटने की तैयारी में है। इसके लिए मेडिकल स्टोर संचालकों को नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें अब सामान्य फ्लू की दवा लेने वालों का ब्यौरा रखना होगा। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देनी होगी, जिससे संक्रमण पर नजर बनाए रखने में प्रशासन को आसानी होगी। 26 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन दोनों धामों में यात्रा के नाम पर सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपनी यात्राएं टाल रहे हैं। अभी तक लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, लेकिन इसके 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने को लेकर अब लोगों ने अपनी बुकिंग वापस लेनी शुरू कर दी है, जिससे चारधाम यात्रा में कोरोना का असर साफ देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी को लेकर एक और जहां सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग लॉकडाउन के बीच गली मोहल्लों में जाकर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम कर रहे हैं, ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। इस दौरान नई टिहरी नगर पालिका ने ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। मसूरी में लोगों ने सफाई कर्मियों का सम्मान किया। लोगों के मुताबिक इस संकट काल में भी सफाई कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना हर रोज लोगों की हिफाजत कर रहे हैं और पूरे इलाके में साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए 200 सफाई कर्मियों को लोगों ने उपहार देकर सम्मानित किया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को पूरा हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम के साथ बैठक की, जिसमें लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर मंथन हुआ। हालांकि इसका अभी आधिकारिक ऐलान बाकी है। संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को इसकी घोषणा कर सकते हैं। सीएम योगी ने लॉकडाउन को देखते हुए मेडिकल इमरजेंसी, पेयजल, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, शिक्षा जैसे जरूरी सेवाओं के लिए कमेटियां बनाए जाने का ऐलान किया है। साथ ही मंत्रियों को अपने कार्यालयों में बैठने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए कहा कि अभी स्कूल न खोला जाए, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिसमें लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही दूरदर्शन से संपर्क कर इस माध्यम के उपयोग से भी शैक्षिक गतिविधियों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए। ऑनलाइन कोर्स चलाने के लिए दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की जरूरतें और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए कई कमेटियों के गठन की बात कही है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राजस्व के फ्लो के लिए कमेटी बनाई जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी कार्य करेगी। ऐसे ही पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिए कमेटियां बनेंगी।
राज्य में 15 अप्रैल से ऑनलाइन कारोबार शुरू करने पर समिति बनी है। सभी जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू की जाएगी। रेस्टोरेंट से ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा ली जा सकेगी। 15 अप्रैल से ही प्रदेश में गेहूं खरीद शुरू हो रही है। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर सरकार का समर्थन किया। हरीश रावत ने कहा, सरकार कोरोना को लेकर जो भी फैसला लेगी उस निर्णय के साथ है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 9,152 हो गई। कोरोना के 7,987 मरीजों का इलाज जारी है, वहीं 857 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,985 संक्रमित मरीज है। राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा बढ़कर 1,154 पर पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 308 हो गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 35 लोग की जान ले ली। महाराष्ट्र में 194 लोग की मौत हुई है, तो वहीं दिल्ली में अब तक 24 लोगों ने जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,86,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। देश में 80% कम लक्षण वाले केस हैं। रोजाना 15,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन बेड बढ़ाए जा रहे हैं। करीब 601 अस्पताल में 1,00,000 से अधिक बेड के इंतजाम है। महाराष्ट्र भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का केंद्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 221 नए मामले सामने आए और 22 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित होकर 149 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 1,985 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में 1,298 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई। वहीं मुंबई में अब तक कोरोना से 92 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 85 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 1,154 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक 24 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में अब तक 43 हॉटस्पॉट को सील किया गया है। जिन नए इलाकों को सील किया गया है उनमें मदनपुर खादर, अबुल फजल एनक्लेव, ईस्ट ऑफ कैलाश, खड्डा कॉलोनी, जैतपुर एक्सटेंशन, बंगाली कॉलोनी, महावीर एनक्लेव, शेरा मोहल्ला शामिल है। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में तैनात पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उन्हें राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब तक दिल्ली पुलिस के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। राजस्थान में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 106 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 804 हो गई। राजस्थान का जयपुर जिला कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। यहां 341 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। जयपुर के रामगंज में कोरोना संक्रमण की शुरुआत करने वाले शख्स की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 19 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 152 हो गई। बंगाल में कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 560 पार कर गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आए। 43 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या 170 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 मामले सामने आए। कोरोना से अब तक राज्य में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 पार कर गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 106 नए मामले सामने आए। कोरोना से राज्य में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं। राज्य में 179 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं एक्टिव केस अब 194 रह गए। तेलंगाना में कोरोना वायरस संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 531 हो गई, जबकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में रविवार को कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद 420 हो गई। कोरोना से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 17 नए केस दर्ज किए गए। कर्नाटक में एक दिन में नए मामलों का ये एक रिकॉर्ड ही है। राज्य में अभी तक 232 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में एक भी मामले सामने नहीं आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 54 है। कोरोना से अब तक ओडिशा में एक मरीज की मौत हो चुकी है।
गुजरात में कोरोना वायरस से अब तक 516 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 48 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से गुजरात में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 245 हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोरिस जॉनसन को लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां वो कुछ दिन आईसीयू में भी रहे। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने लॉकडाउन लागू करवाने में नाकाम रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप ने आंतरिक मामलों के मंत्री सुलेमान का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। तुर्की के सभी 31 शहरों में लॉकडाउन की घोषणा के ठीक बाद अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया था। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 18.5 लाख के पार पहुंच गई, जबकि अब तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई है। मौत के मामले में इटली दूसरे नंबर पर है। कोरोना संक्रमण और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के मामले में अमेरिका नंबर एक पर पहुंच गया। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,514 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या भी 22,000 के पार हो गई। अमेरिका में कोरोना महामारी का केंद्र बने न्यूयॉर्क में 1,70,000 से ज्यादा मामले हैं। इस राज्य में अब तक 7,800 से ज्यादा पीड़ितों की जान जा चुकी है। रविवार को अकेले न्यूयॉर्क में 758 लोगों ने कोरोना से जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया। ब्रिटेन में भी कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,000 पार कर गई। अमेरिका, इटली, स्पेन और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा मौत ब्रिटेन में ही हुई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्पेन में कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले 24 घंटे में यहां 619 लोगों की मौत हुई। शनिवार को 510 लोगों की मौत हुई, जो 23 मार्च के बाद मरने वालों की सबसे कम तादाद थी। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 17,209 हो गई। अमेरिका और इटली के बाद कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर स्पेन में ही बरपा है। स्पेन में 1,66,891 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इटली में 431 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में 19 मार्च के बाद कोरोना वायरस से मरने वालों की सबसे कम तादाद है। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 19,899 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में इस महामारी ने 14,393 लोगों की जान ले ली और कुल 1,32,591 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में मृतकों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि बीते एक दिन में 315 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले 345 लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वोच्च अदालत ने कहा, मार्च में हुए मामले में राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट का आदेश देना सही था। अदालत ने अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दिए गए उस तर्क को नकार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ऐसा आदेश नहीं दे सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका को नकार दिया। कैबिनेट मंत्री नंदी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नीरज यादव हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। कोतवाली और क्राइम ब्रांच टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को पकड़ा। शाहजहांपुर के मालपुर गांव के पास बाइक सवार 5 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में बेखौफ दबंगों ने दलित को बेरहमी से पीटा। दबंगों के कहर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दबंग घर में घुसकर दलित परिवार को लाठी डंडे से पीटते हुए दिख रहे हैं। बिहार थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव का मामला। फतेहपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक डंडों से अर्धविक्षिप्त महिला को मार रहा है। ये वीडियो जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मथुरा में सामूहिक रूप से शराब पीने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो रिफाइनरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक जगह बैठकर 5 लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और मोबाइल से शराब पार्टी का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। अयोध्या में लॉकडाउन के बीच भी जालसाजी का खेल जारी है। राम मंदिर के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट बनाने का मामला सामने आया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया। रुड़की के झबरेड़ा में पेट्रोल पंप पर हुई लूट से हड़कंप। 3 बाइक सवार बदमाश 55,000 रुपए लूट कर फरार हो गए।
बदमाशों की करतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद, पुलिस प्रशासन में हड़कंप, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। भदोही में कलयुगी मां ने अपने 5 बच्चों को गंगा नदी में फेंक दिया, पति से हो रहे विवाद को लेकर महिला ने ये खौफनाक कदम उठाया। पुलिस गोताखोरों की मदद से 5 बच्चों की तलाश में जुटी है, हालांकि 2 बच्चों की डेड बॉडी शाम तक मिली, बाकी बच्चों की तलाश जारी है। कानपुर में जहरीली शराब पीने से मौत के बाद गोरखपुर में आबकारी विभाग सक्रिय हो गया। आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई कर कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया। राजघाट के राप्ती नदी के किनारे अमृतानी में बरसों से अवैध कच्ची शराब की बिक्री चल रही थी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार के दौरान 600 अंकों से अधिक गिर गया, वहीं निफ्टी 9000 के नीचे गिरा। नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर, अगले 3 महीनों के लिए आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा नहीं कटेगा, बशर्ते आपको सरकार के बताए कुछ नियमों को पूरा करना होगा। आईपीएल को लेकर सौरव गांगुली ने कहा, महामारी की वजह से किसी भी खेल प्रतियोगिता के आयोजन की संभावना नहीं बची है। बीसीसीआई सारी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है, पर आईपीएल का आयोजन हो सके ऐसे हालात बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। इस वक्त इसके बारे में भूलना ही बेहतर है। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने कहा कि देश में कोरोना को लेकर अच्छी स्थिति नहीं है, अगर लॉकडाउन की स्थिति आगे भी जारी रही तो हम वेतन में कटौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि पीसीबी ने साफ कर दिया है कि वो अपने खिलाड़ियों के वेतन में कटौती नहीं करेगी। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा कि वो अपने साथी युवराज सिंह की बात से सहमत है कि मौजूदा टीम में आदर्श खिलाड़ियों की कमी है। पूर्व ऑलराउंडर युवराज ने हाल ही में कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा मौजूदा भारतीय टीम में ज्यादा आदर्श खिलाड़ी नहीं है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक भारतीय कप्तान विराट कोहली की 3 साल की बादशाहत को खत्म कर 2019 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। विजडन के टॉप 5 खिलाड़ियों में किसी भी भारतीय को जगह नहीं मिली, इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम नहीं है, ये देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई। भारत वर्ल्ड कप 2019 की सेमीफाइनल में हारा था, लेकिन रोहित ने टूर्नामेंट में 5 शतक लगाए थे जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लॉकडाउन में घर पर मौजूद क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। स्टार स्पोर्ट्स 2007 T20 वर्ल्ड कप के मैच लेकर आ रहा है, जब भारत महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियन बना था। अगर आपकी यादें धुंधली पड़ने लगी हैं या वो लोग जिन्होंने ये मैच नहीं देखे, जिनके पास इन्हें देखने का मौका है, स्टार स्पोर्ट्स 2007 के वर्ल्ड कप में खेले गए भारत के सभी मैचों को रीलाइव कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने कहा है कि खिलाड़ियों की क्षमता पर भरोसा करना चेन्नई सुपर किंग्स टीम की कामयाबी का राज है। 38 साल के शेन वॉटसन ने चेन्नई सुपर किंग्स से इंस्टाग्राम लाइव पर कहा, आप 10 मैचों में रन नहीं बनाते हैं और फिर भी टीम में बने रहते हैं। पिछले सीजन में मुझ पर विश्वास बनाए रखने के लिए शुक्रिया एमएस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग। पाकिस्तान टीम के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत पाकिस्तान के बीच कोरोना से लड़ने के लिए वनडे सीरीज कराने का प्रस्ताव रखा, जिसमें रुपए इकट्ठा हो सकें, लेकिन कपिल देव ने ना में जवाब दिया था। जिसके बाद शोएब अख्तर का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को भले ही पैसों की जरूरत नहीं हो, लेकिन दुनिया भर को कोरोना वायरस के संकट से पैसों की जरूरत है। शोएब अख्तर ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि कपिल भाई समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था, सभी लोग आर्थिक संकट में फंसने वाले हैं।